Good morning, children. How was your unit test exam? All well, right? So now we will start our new chapter, chapter number 5, Mehnatni Mausam. Mehnatni Mausam. आपने कभी मेहनत कर ली? आपने unit test में अच्छी तरह से कर लिया सब कुछ? और वो मेहनत कब रंग लाएगी? जब आपका रिजल्ट आएगा तब. तो वो रिजल्ट के टाइम आपकी मेहनत दिखाई देगी. इसी तरह से यहाँ पर मेहनत की मौसम किसको कहा है? फार्मर्स के लिए, किसान के लिए कहा गया है कि फार्मर्स जो है वो, क्योंकि हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है और इसीलिए पहले के जमाने में, अब तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, बहुत कुछ मिल गया है. सबसे बड़ा तो ब्लेसिंग्स क्या है, हमें नर्मदा का पानी मिल गया है ना, सरदार सरोवर डैम के थ्रू, तो इसी वजह से हमें इतनी तकलीफ नहीं है. पर उस समय जो क्या था कि बारिश जो है उसके ऊपर ही हम टोटली डिपेंडेंट थे और इसकी वजह से क्या होता था कि हम लोग जो है बारिश के ऊपर, कितनी बारिश आती है उसके ऊपर डिपेंड करता था और उसी से खेती होती थी और उसी से जो किसान है उनका पूरा साल निकलता है. और खाली किसान की मेहनत नहीं, किसान हमारे लिए मेहनत कर रहा है, हमको फूड प्रोवाइड करने के लिए वो सब कहते हैं. इसीलिए कहते हैं कि खेडूत ने शू केवल जगतनो तात, तात यानी पिता, जगतनो यानी जगनो दुनिया, दुनिया नो पिता से. जो ये मेहनत नहीं करे तो आपने कहीं खावा मड़ से नहीं. એટલે આપણે તેનો ઉપકાર કે એહસાન જેટલો માનીએ એટલો ઓછો છે. ઓર વો લગાતાર મહેનત કરતે હૈ તો યહાં પર જો યે પોયમ હૈ મહેનતની મોસમ, યાની કે બારિશ સે પહેલે ઉન્હોને જમીન કો પૂરા ખોદ કે સાફ કર લિયા, ઉસકે બાદ ઉન્હોને પૂરે ખેતો કો સહી ઢંગ સે અચ્છી તરહ સે ખેડું પ્લાઉ કરકે દે દિયા, ઉસકે બાદ બીજ ડાલે ગયે और बीज डालने के बाद जो है बारिश आती है, अलग अलग प्लांट्स तैयार होते हैं और वो प्लांट्स तैयार होने के बाद क्या होता है, क्रॉप तैयार हो जाता है. और वो क्रॉप तैयार होता है वही काटने की जो मेहनत है और मौसम है उसको बोलते हैं मेहनती मौसम. समझ गया? क्रॉप हार्वेस्टिंग जो है उसकी सीजन को कहा जाता है मेहनतनी मौसम. तो यहाँ पर आज हम पार्ट वन में सबसे पहले हमारे जो पोएट हैं जिनका नाम है नाथालाल दवे, ये नाथालाल दवे जो है उनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा और किस तरह से उन्होंने ये पोएम को लिखा है. और टोटली वो फार्मर से रिलेटेड है, किसान खेडूत से रिलेटेड है उसके बारे में. और साथ में हम उसको गाएंगे. कैसे गाना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी, क्योंकि ये पोयम जो है आपको मेमोराइज करनी है, इसलिए अगर गा के करोगे तो बहुत ही जल्दी आप उसको याद कर लोगे. सो लेट्स बी स्टार्ट. नाथालाल भांजी दवे जिनका जन्म हुआ था अमरेली डिस्ट्रिक्ट यानी सौराष्ट्र के अंदर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसका गांव का नाम था बुआ गांव. और वहां पर उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर, देन प्रिंसिपल और फिर डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं शिक्षणाधिकारी, शिक्षण प्लस अधिकारी तरीके पे बड़ी सेवा हुआ. आना पछी तेमने कालिंदी, जानवी, अनुराग, पियाबी, ऐसे उन्होंने बहुत सारे पोयम के जो ग्रंथ काव्य संग्रह जिसमें बहुत सारे पोयम है लिखी हुई होती है, ऐसा उन्होंने लिटरेचर के प्रति अपनी सेवा दी है. और यहाँ पर कवि जो है मैंने आपको पहले ही बताया, पाक लणवानी ऋतु, लणहू यानी कि क्रॉप हार्वेस्टिंग नी ऋतु ने मेहनतनी मौसम कही छे, क्योंकि आज त
तक जितनी भी फार्मर्स ने बारिश आने से पहले से जमीन को साफ करने से लेकर जितनी भी मेहनत की है, वो मेहनत ये क्रॉप तैयार होता है तब रंग लाती है, इसीलिए उसको कहते हैं मेहनती मौसम। और जब बारिश अगर अच्छी आती है तो वो हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स है, और वो ब्लेसिंग्स की वजह से पाक सोड़ आनी सारो था। सोड़ आनी सारो यानी कि बहुत ही अच्छा होता है, अने तो श्रमजीवी, श्रमजीवी यानी मेहनत करना ना, परिश्रम करना ना, कितना उल्लास मावी जैसे यानी खुश हो जाते हैं, उत्साहित थे जैसे ए अभिव्यक्ति आकाव्यमां जोवा मळे छे। सो यहाँ पर हम पोयम शुरू करेंगे, कैसे गाना है मैं आपको आज सिर्फ वही बताऊंगी, पोयम रेसिटेशन, और ये पोयम को आप इनको इसी तरह से गाना। सबसे पहले है सोना वरणी सीम बनी मेघुलिये की थी मेरी, यहां पर हम गाएंगे पहले हे सोना वरणी सीम बनी मेघुलिये की थी मेरे बनी, मौसम आई मेहनत नी, मौसम फिर आप उसको डबल बार भी गा सकते हैं हे सोना वरणी सीम बनी मेघुलिये की दी मैर रे बनी, मौसम आवी मेहनत नी, मौसम आवी मेहनत नी, हे नदियों ना जल मीतर्या लोको माली ना सादरी में, मौसम आवी
पर ये जो पोयम है उसका भावार्थ या सारांश कहो वो यही है कि किसान किस मेहनत से जो है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, लोगों के पेट भरने के लिए किस मेहनत से काम करता है, और ये मेहनत तब रंग लाती है जब अच्छी तरह से फसल तैयार होती है, और वो फसल काटने के बाद उसको वो खूब मेहनत से बाजार तक पहुंचाता है, और तब तक जब तक उसको पैसे नहीं मिलते हैं तब तक उसकी मेहनत रंग लाती नहीं। तो इस तरह से वो बहुत मेहनत करके, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान को इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, अगर अपना सब कुछ पाने के लिए बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं ना गुजराती में कहावत है कि मांगिया वगर तो मापन ना मिले, तो यहाँ पर मेहनत के बिना हमें कुछ भी मिलता नहीं है। तो यहाँ पर किसान हमारे लिए इतनी मेहनत करता है तो हमें भी हमारे एटमोस्फेयर को और ज़्यादा अच्छा बनाना है, अवेयरनेस लानी है ताकि बारिश अच्छी हो, और बारिश की वजह से अनाज पकेगा तो वो हमें ही मिलेगा, इसलिए उनकी मेहनत रंग लाएगी और हमें उसका फायदा मिलेगा। तो इस तरह से मेहनत की मौसम हर जगह रंग लाएगी। तो ये पोयम जो है मैंने आपको उसका कैसे गाना है वो आपको सिखा दिया है, अब आप रोज गाएंगे, उसको मेमोराइज करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हर एक स्टैंजा का मतलब या भावार्थ क्या है। टिल देन गाते रहिए।